ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको कहती हूं। आप टैग टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में अमरीकी सदर जो बाइडेन की भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का जायजा लेंगे इसके साथ साथ हम इस मामला पर भी कमेंट्री करेंगे कि अमरीकी डिप्लोमेट्स की एक डेलीगेशन ने का दौरा क्यों किया पाकिस्तान में बलोच रेबल्स के हालिया अटैक्स के पाकिस्तान पर क्या असर मुतब होंगे आखिर में हम के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की से फॉरेन वर्कर्स पर कसे जाने वाले शिकंजे को भी एनालाइज करेंगे तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं अमरीकी सदर जो बाइडेन की भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हवाले से पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि इस कन्वर्सेशन की नोयत क्या थी देखिए यह कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन की जो हुई है उन्होंने खुद उनको फोनिक कॉल किया और उन्होंने खुद ही टेलीफोन पे उनसे रा किया तो इस कन्वर्सेशन का मकसद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो दौरा पोलैंड और ख़ास तौर पर यूक्रेन था उस हवाले से था और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत के बाद सदर बाइडन ने एक ट्वीट भी दी वाइट हाउस की वेबसाइट पे एक स्टेटमेंट भी लगाई और जो वाइट हाउस की स्टेटमेंट है वो ट्वीट की जो आ, बात है वो एक जैसी है जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि उन्होंने पीस के लिए जो यूक्रेन का दौरा किया पोलैंड का दौरा किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा था ख़ास तौर पर यूक्रेन के हवाले से वो बहुत ही इम्पोटेंट था पीस के लिए उस रीजन में और यूक्रेन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमदाद की बात की है चाहे वो पीस की बात हो चाहे वो आ, कुछ हो उनकी इस मुश्किल वक्त में किसी किस्म की अमदाद भी है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है तो इस कन्वर्सीशन uh, के हवाले से हमें नहीं पता क्या कन्वर्सीेशन हुई किसी को नहीं पता बिकॉज वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी दो हेड ऑफ़ द स्टेट्स की थी जाहिर है हमें तो पता चलेगा जो अमरीकी सदर या अमरीकी डिपार्टमेंट जो है वो बताएगा या भारतीय प्राइम मिनिस्टर या भारत का फॉरेन अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो बताएगा तो जो इनिशियल स्टेटमेंट्स uh, हैं वो तो ऑफकोर्स uh, ट्वीट से पता चल रही हैं सदर बाइडेन ने जो ट्वीट की वो मैंने आपको बात बता दी इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बातें की मगर एक एडिशनल बात थी उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल भी मैंने सदर बाइडन के साथ डिस्कस की है और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस वक्त मुश्किल गुजर रही हैं जो चैलेंजेस हैं जो उनकी उन, उनके ऊपर अटैक हुए हैं वो भी मैंने सदर बाइडन को बताया अब ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात अपने ट्विटर हैंडल पर की है तो ऑफ़ कोर्स ये बात हुई होगी मगर वाइट हाउस ने इस बात का कोई चर्चा नहीं किया कि हमारी इस मौजू पर भी बात हुई है और ना ही सदर जो बाइडन ने अपनी ट्वीट में इस बात का चर्चा किया तो इसका मतलब यह है कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों लीडर्स की हुई है उसमें जो बात अमरीका को इम्पॉर्टेंट लगी है वो बात ज़ाहिर है यूक्रेन के हवाले से और रूस के खिलाफ है वो उन्होंने उसका जिक्र किया क्योंकि आ, इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला यूरोप में यूक्रेन का है बल्कि शायद सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस वक्त की अमेरिकी इंतजामिया का वो यूक्रेन के हवाले से है इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जिक्र किया और अपनी पीस आ, की जो एफ़र्ट्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सदर पुतिन को दो बार कहा कि ये जंग का ज़माना नहीं है आ, और मसाइल का हल जंग के मैदान में, में नहीं होता तो वो बातें भी जिक्र की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मगर उन्होंने बांग्लादेश की बात की क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश के मसाइल और जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे इस वक्त बुरा सलूक हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है तो भारत ने अपने जो मसाइल हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पेश किए और जो बाइडन ने जो उनके हैं जो उनको रेलिवेंट लगते हैं उन्होंने पेश किए हैं जो उनको रेलिवेंट नहीं लगते वो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया जैसा कि आप कह रहे हैं कि सदर बाइडन पीएम मोदी के दौरा यूक्रेन पर खुश हुए तो क्या रूस भारत से नाराज नहीं होगा क्या भारत यूक्रेन के विजिट को अवॉइड कर सकता था देखिए पहला जो आपका सवाल है इन दोनों सवालों में कि पहले तो आपने बात की कि सदर बाइडन खुश हुए हैं पीएम मोदी के ऑफ कोर्स इसकी भी मैं वजात करता हूँ फिर ये सवाल है कि क्या रूस भारत के यूक्रेन के विजिट से नाराज़ नहीं होगा ऑफ कोर्स रूस को ये बात अच्छी तो नहीं लगी होगी अपेरेंटली लेकिन हो सकता है कि रूस भी चाह रहा हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन जाएं और इस जंग से अगर हम भी निकल सकते हैं तो इसकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी निकालें यह बड़ी बारीक बात है हम इस बारे कोई बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते एज्यूम कर सकते हैं लेकिन चलिए अगर रूस एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं भी ढूंढ रहा तो क्या रूस प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट से नाराज़ नहीं होगा हो सकता है नाराज़ हो मगर रूस इतना मिच्योर देश है वैसे दुनिया के सारे देश ही मच्योर होते हैं क्योंकि उन सब देशों को पता होता है कि भाई हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन का विज़िट किया है तो उनके अपने एक लार्जर इंटरेस्ट है जब उन्होंने रूस का विज़िट किया था तो उस वक्त भी उनके एक अपने लार्जर इंटरेस्ट थे रूस के साथ इंटरेस्ट थे वो भी ज़रूरी थे लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपनी साझेदारी उन्होंने कायम रखनी है इंडिया वालों ने तो जाहिर है रूस इस बात को भी समझता है रूस ये तोको तो कर सकता था कि भारत मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड से अपने आप को एलियनेट करें जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड की भारत से यह ख्वाहिश होती है कि वो रूस से अपने आप को मकमल तौर पर एलियनेट करे मगर दोनों दुनियाएं यानी रूस भी और वेस्टर्न वर्ल्ड भी समित है कैसा मुमकिन नहीं है और भारत भी इस हकीकत को जानता है हत्या जो इस वक्त रूस का सबसे ज़्यादा अपेरेंटली साथ दे रहा है वो चाइना है चाइना के अलावा अरब कंट्रीज़ भी साथ दे रही है मगर चाइना के अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बहुत सारे मामला पे ट्रेड के मामला पे ताइवान के मसले पे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं मगर इसके बावजूद चाइना और अमेरिका के तलक तो नहीं रुक रहे टोनी ब्लिंकन ने भी दौरा किया था रिसेंटली चाइना का चाइनीज़ फॉरन मिनिस्टर भी गए थे और इवन सदर जी भी गए थे कुछ अर्सा पहले अमरीका तो रूस के अगर इतने अच्छे तलक चीन के साथ हैं तो चीन भी अपने अमेरिका के साथ तलक अपने इंटरेस्ट के लिए ठीक ठाक रखने की कोशिश करता है तो भारत क्यों नहीं करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि रूस इस बात से नाराज़ होगा क्योंकि ये कोई पर्सनल दोस्ती वाली बात तो है नहीं या ख़ानदानी रिश्ते तो है नहीं कि जी आप उसकी शादी पे गए हैं वो हमारा दुश्मन हम आपकी शादी पे नहीं जाएंगे ये तो कौमों के डिसीजनस होते हैं तो रूस भी इन हक़ को समझता मेरा नहीं ख़्याल कि इन हक़ को समझते हुए रूस भारत से नाराज़ होगा अब ये है कि ये सवाल कि क्या भारत यूक्रेन के विजिट को एवॉड कर सकता था अगर एवॉड कर सकता होता तो शायद ज़रूर करता इसलिए कि यूक्रेन की लीडरशिप की भारत के हवाले से बड़ी सख्त बयानबाजी जब से ये जंग रूस और यूक्रेन की शुरू हुई है चल रही है ख़ासतौर तो पर यूक्रेन की लीडरशिप है चाहे वो आ, सदर जिलेंसकी हो चाहे उनका आ, वजीर खारजा हो जिसने पिछले साल भारत का दौरा भी किया था गलबंद इसी साल किया था शायद तो इसके बावजूद कि उनकी इतनी सख्त बयानबाजी रही है भारत फिर भी एवॉड नहीं कर सकता था क्योंकि भारत की जो साझेदारी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बढ़ती चली जा रही है। भारत के लिए मुमकिन नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को यूरोपियन यूनियन को नाराज कर सके तो चूंकि इस वक्त भारत बहुत तरक्की कर रहा है और तरक्की करने से ये मुराद है कि आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड जो दुनिया की सबसे अमीर दुनियाएं हैं उनके साथ तलकत अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं आप अकेले अलग थलग तरक्की नहीं कर सकते चीन ने जो तरक्की की है वेस्टर्न वर्ल्ड की साझेदारी में ही तरक्की की है तो इस बात का एहसास भारत को भी है तो भारत एवॉइड नहीं कर सकता था क्योंकि भारत को अंदाज़ा था कि भारत के यानि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरा रूस की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ अपसेट हुआ था भारत से तो भारत के लिए जरूरी था बैलेंसिंग एक्ट करना अगर जब भारत में ये कहा जा रहा है कि भारत कहीं अमेरिका के हाथों ट्रैप तो नहीं हुआ बिल्कुल ट्रैप नहीं हुआ भारत के लिए ये जरूरी था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दौरा किया है पोलैंड का भी और यूक्रेन का भी पोलैंड की इसलिए अहमियत है कि जो रूसी साजो सामान भारत के पास मिलिट्री के हवाले से मौजूद है वो शायद रूस पर इतनी सेंकशनज हैं कि रूस के लिए मज़ीद उसको अपडेट करना ज़रूरी यानी मुमकिन नहीं रहा क्योंकि रूस के पास किसी भी देश के पास और रूस समेत किसी भी देश के पास अपना सब कुछ नहीं होता कहीं से वो जर्मनी से पार्ट्स ले रहा था चिप्स ले रहा था टैंकों के अब वो नहीं मिलेंगे तो पोलैंड के पास वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो रूस की मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है चलिए इन्हीं दिनों जब पीएम मोदी के दौर पोलैंड और यूक्रेन का चर्चा हो रहा है भारत के जम्मू कश्मीर में यूएस डिप्लोमेट्स के विज़िट को आप कैसे देखते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग विज़िट है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भारत के लोग बातचीत कर रहे हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि देखिए जी इधर भारत के जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के शेड्यूल का एलान हुआ जो गलबा अठारह सितम्बर से यकम एक अक्टूबर तक चलेंगे और चार अक्टूबर को उनके रिज़ल्ट आएंगे तो वो ये कह रहे हैं कि इधर उनका ऐलान हुआ था उधर जो है यू एस का जो डिप्लोमेट्स जो दिल्ली में हैं उनका एक डेलीगेट जो है वो पहुंच गया श्रीनगर और वो सजा लोन से भी मिला उमर अब्दुल्ला से भी मिला और भी शायद कुछ कश्मीरी लीडर से मिला तो वो भारत के कुछ जो मुबस्सरीन हैं वो सोशल मीडिया पे इस बात का इजहार करें कि कर भाई ऐसा क्यों किया ये हमारे आ, देश के अंदर जो है आ, जो इंटरफेरेंस वाली बात है लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि अगर यूएस के डेलीगेट्स के लोग आ, मिलने गए हैं श्रीनगर में कश्मीरी लीडरों से तो वो भारत की सरकार की परमिशन के बगैर नहीं गए उन्होंने यकीनी तौर पर भारत के फॉरेन ऑफिस से परमिशन ली होगी और उनका कॉन्सेंट लिया होगा इसके बगैर वो दौरा नहीं कर सकते अगर भारत के फॉरेन ऑफिस ने उनको अपनी परमिशन दी है तो इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा इसमें एंगल ये है इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि जैसे पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ रीज़नेबल तल्लक ने कोई बहुत बुरे तल्लक तो नहीं हैं अगरचे अमेरिका पाकिस्तान पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता लेकिन अपरनली अमेरिका कोई बहुत बुरी बातें भी पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा अब पाकिस्तान के लिए तो जो जम्मू कश्मीर है भारत का श्रीनगर वो डिस्प्यूटेड इलाका है पाकिस्तान की नज़र में अगर अमरीकी डेलीट वहाँ पे जाता है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि हम लिजिटीमेट समझते हैं जम्मू कश्मीर को ये एक भारत की रियासत है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इलाका है और वो मतलब उसको मान रहे हैं कि ये डिस्प्यूट इलाका नहीं है तो ये भारत की एक दूसरा एंगल देखें तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है अमरीकी डेलीगेट भारत की रियासत में गया है भारत की हुकूमत की परमिशन से गया ऑफ कोर्स उनकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते थे और पाकिस्तान आ, अपना मुंह देखता रह गया वे अभी तक जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कोई एहतजाज सामने नहीं आया वरना पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज भी आ सकता था कि जी ये तो एक डिस्प्यूटेड इलाका है अमरीकी आप हमारे दोस्त हैं आप वहाँ पर क्यों गए हैं ऐसी बात पाकिस्तान ने नहीं की पाकिस्तान ये जो कश्मीर कश्मीर के रट लगाता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए लगाता है इससे यह मतलब निकल रहा है लेकिन आ, इंटरनेशनल सीन पे पाकिस्तान बिल्कुल वाज तौर पर श्रीनगर की जो सोवरेनिटी है भारत के साथ उसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि अमरीकी वहाँ जा रहे हैं और मतलब भारत उसकी परमिशन दे रहा है और पाकिस्तान एतराज नहीं कर रहा नहीं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ये मामला है कि वहाँ पे जो यूएस डिप्लोमेट्स का डेलीगेट्स गया है मैं तो उसको इस हवाले से देखता हूँ और बहरहाल इसके कई और एंगल भी हैं चलिए अब आते हैं सोशल मीडिया की तरफ तो सोशल मीडिया पर भारतीय नेशनलिस्ट अमरीकी डिप्लोमेट्स के दौर कश्मीर से क्यों खुश नहीं इस पर भी शेड द लाइट इट देखिए जैसा मैंने अभी पीछे जिक्र किया कि वो इसलिए खुश नहीं जो भारतीय नेशनलिस्ट हैं बहुत सारे अहम नाम जो हमें नज़र आते हैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे और वो भारतीय सरकार के लोग नहीं हैं मगर वो नेशनलिस्ट हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं वालागर हैं ट्विटर इन्फ्लुंसर हैं जिनके आ, कई कई लाख फॉलोअर्स हैं वो इस पर खुश नज़र नहीं आते वो कहते हैं जी आ, ये अमरीकियों का क्या इसमें किरदार है अमरीकी क्या लेने गए हैं तो जैसा मैंने पीछे कहा कि अमरीकी अगर वहाँ पर गए हैं तो वो भारतीय सरकार की परमिशन के बगैर नहीं जा सकते थे मुमकिन नहीं था क्योंकि भारत का अपने पूरे देश पे पूरा कंट्रोल है आपके बाइलेटरल रिलेशन भी होते हैं जी कंट्रीज के साथ और उसमें आप इस तरह के विजिटेशंस के लिए इजाज़त देते भी हैं और लोग करते भी हैं विजिट हाँ इसमें देखिए वो इस तरह के जो विजिट्स हैं वो कहीं बाहर से अमेरिकियों ने आके तो नहीं किए अमेरिकी अमरीकी वहाँ टूरिज्म के लिए बाहर जाते हैं आ, ये तो जो अमरीका के जो एम्बेसी के लोग हैं वो गए हैं फर्स्ट सेक्रेटरी थे जो गए हैं दौरे पे और भी दो आ, जो डिप्लोमेट्स हैं गए ग तीन डिप्लोमेट्स का एक डेलीगेशन गया है और फिर इनका एक वीडियो क्लिप बड़ा प्रोफेशनल किस्म का बना है या तो अमरीकी एम्बेसी ने बनाया है या वो उमर अब्दुल्ला की टीम ने बनाया होगा अपने ऑप्टिक्स के लिए तो इससे ये बात साबित होती है दो तीन बातें आपने बात की कि जो भारतीय नेशनलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो जनरली इस बात से खुश नहीं नजर आ रहे अभी मैंने पीछे जिक्र किया कि इससे दो तीन ऑप्टिक्स हैं एक तो ये ऑप्टिक है कि चलिए जी वो कुछ लोग समझते हैं कि इंटरफेरेंस है अमरीका की भारत के अंदर मगर दूसरी तरफ उसकी लिजिटी भी तो है ना यानी पाकिस्तान को अपरली से खुश नहीं होना चाहिए अगरचे पाकिस्तान अभी तक इस पर कुछ बोला नहीं लेकिन इसका मतलब यह है कि अमरीकीियों ने भारत की रिस्पेक्ट की है मैं से ये एंगल भी लेता हूँ अच्छा तीसरा एंगल एक और भी है तीसरा एंगल ये है कि उमर अब्दुल्ला ने या गलबन फ़ारूक अब्दुल्ला ने उनके बाप ने यह बात कही है कि हम ने अमरीकीयों को कहा है कि यह इलाका टूरिज़म के लिए बड़ा सेफ़ है यानी यह एक अच्छी बात है कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीरी लीडर हैं वो ठीक है आ, भारत की जो नेशनल सरकार है बीजेपी की सेंटर की सरकार है उसके साथ अपने पॉलिटिकल जो हैं उनके इख्लाफात चलते रहते हैं मगर जब बात एक देश की आती है तो उन्होंने एक देश के तौर पर अपरनली बिहेव किया है कश्मीरी लीडर्स ने कंसेंसिस उन्होंने ये, ये कहा है कि अमरीकियों से ये कहा है कि आ, वेलकम अब बड़ी सेफ जगह है आप आइए आपके भी लोग आने चाहिए टूरिज्म तूर, होनी चाहिए ये वो इलाका है जिसके बारे में हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है जी तो इसको इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि दरअसल ये विजिट जो है ये तसली भी है इस बात की कि आइए टूरिज्म कीजिए और देखिए कि यहाँ पे ग्राउंड रियालिटीज इस तरह है मैं इसको इस तरह देखती हूँ जी वो भी बात है लेकिन इसके साथ कई जो नेशनलिस्ट कह रहे हैं उनके भी कुछ कंसर्नस वैलिड है मिसाल के तौर पर आ, जो अमरीकी सफ़ीर ने गाल पिछले महीने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे रूस के दौरान पर उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी हमारे भारत के साथ तलक इतने स्ट्रॉग इनफ नहीं हैं कि भारत रूस के साथ प्यार की पीघे बढ़ाए और यूक्रेन पे होने वाले अटैक्स को इग्नोर करे हालाँकि भारत उनको इग्नोर नहीं करता तो एक तो अमरीकी अब हमें ये मानना होगा कि अमरीका में बेशक पॉलिटिक्स जितनी मर्जी पोलराइज हो आप और मैं जानते हैं कैनेडा में रहते हुए अमरीका एक स्ट्रांग देश है अमरीका का कोई भी बड़ा शहर उठा लीजिए वो अपने तौर पर एक बहुत अजीम शहर है ये अपने तौर पर एक मुल्क है अपने तौर पर एक पूरा मुल्क है उनकी एक एक रियासत मुल्क है हम कभी भारत में बैठे हुए या चीन के लोग कह देते हैं चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द वे बहुत स्ट्रांग है वो भी कम नहीं है वो ले, लेकिन वो कह देते हैं जी कि अमरीका में रिसेशन आने वाला है पता नहीं अमरीका का क्या होगा ऐसी बात नहीं अमरीका में रिसेशन आए हैं कई आते रहे हैं और आएंगे और भी और ये चलता रहेगा याद रखना चाहिए कि दुनिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन है अमरीकी उनके हेड क्वार्टर्स में है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स अमेरिका में है ठीक है चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है लेकिन ये बात पूरी दुनिया को पता है पूरी दुनिया को कि इवन यूरोपियन यूनियन को भी कि भाई अमेरिका जो है अमेरिका है तो अमेरिका फिर अमेरिका होने की वजह से बताता रहता है देखिए आज भी अमेरिका की जो इकॉनमी है वो कोई 28 गालबन तीस ट्रिलियन डॉलर के करीब है चाइना की शायद सोलह अठारह ट्रिलियन डॉलर की है भारत की इस वक्त कोई साढ़े तीन चार ट्रिलियन डॉलर की है अब आप देखिए पच्चीस से तीस मैं रफ बता रहा हूँ अमरीका की इसके बीच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है अमरीका की जो पैरल इकॉनमी है कॉरपोरेशन की वो भी इतनी स्ट्रॉग है जिसका कोई इमेजिनेशन नहीं है तो फिर अमरीका इंटरफेयर भी करता है पूरी दुनिया में करता है भारत में भी वो करता रहता है भारत के लोग या सरकार उसको खींचते रहते हैं लेकिन बहरहाल ये जो युद्ध है नरेटिव का ये चलता रहना ये रुकना नहीं है मगर भारत की अमेरिका के साथ शराकतदारी वो भी आगे बढ़नी है वो कम नहीं होनी क्योंकि अमेरिका भी भारत की इंपॉर्टेंस को समझता है और अमेरिकी इंपॉर्टेंस को भी भारत की मौजूदा सरकार समझती है जहां जरूरी जवाब देना होता है जवाब भी दे लेते हैं जहां पे टिप्पणी करनी होती है वो भी कर लेते हैं मगर दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों एक दूसरे के साथ चले बिना इस सांजी दुनिया में आगे नहीं जा सकते क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस है शायद चलिए अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात की तरफ बढ़ते हैं बलोच रेबल्स ने ऑपरेशन हेरोफ के नाम से एक इंतहाई खौफनाक ऑपरेशन किया क्या पाकिस्तान की रियासत उनके सामने बेबस नजर आती है आप इस पर थोड़ा सा बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत न सिर्फ उनके सामने बेबस है बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स के सामने बेबस है अभी जो आ, आ, जो अकबर बुकटी बलोच लीडर का कत्ल किया था मुशरफ ने 18 साल पहले उसकी बरसी थी 26 अगस्त को तो 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात को बलोच लिब्रेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेराफ के नाम से बहुत मारा मारी की आ, इवन रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को कहना पड़ा कि जी 70 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के अपने अदादोशुमार बता रहे हैं जो वो बाहर आ रहे हैं जी के मारे कोई पचास से ज़्यादा लोग मारे गए हैं बलोच लिब्रेशन आर्मी वालों का कहना है जी कि कोई डेढ़ सौ से दो सौ के लोग आर्मी के हमने मारे हैं और फिर उन्होंने कई दर्जन गाड़ियों को जलाया ट्रकों को जलाया सड़कें बंद कर दी और अभी तक की तलाद के मुताबिक बलूचिस्तान में कई सड़कें ब्लाड हैं मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि जो आ, ये बलोच लिब्रेशन आर्मी वाले पहाड़ों पे चढ़ के लड़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ अरसा दराज से अब पाकिस्तान आर्मी ने उनको इस हाल तक पहुंचा दिया उनको बंद गली में पहुंचा दिया कि वो अब खुली सड़कों पर निकल आए उन्होंने कहा ठीक है हम आ, उन पहाड़ों से नीचे उतर के अब तुम्हारे साथ लड़ेंगे और अब सिचुएशन वाकई बेबसी वैली है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जाहिर एक देश की आर्मी है दुनिया की कहा जाता है नंबर्स के अतबार से छठी सातवीं बड़ी आर्मी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स असला भी ठीक ठाक है इनके पास मगर वो वाकई ही इन बलोच रेबल्स के आगे बेपस नजर आते हैं और मैंने जैसा कहा कि सिर्फ बलोच रेबल्स के आगे भी नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं जैसे तालिबान भी हैं और इस तरह के ग्रुप्स हैं उनके आगे भी बेबस नज़र आते हैं और वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं वो टेलीविजन पे आके तकरीरें कर रहे होते हैं कुरानी आयात पढ़ रहे होते हैं जी कि जिसमें कोई पुरानी कॉन्टेक्स में आयात हैं कि हम आ, अपने जो हैं मखालफान के गले काट देंगे फलां इस तरह की बातें कर रहे होते हैं स्टपट बातें कर रहे होते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेकिन उनकी बेबसी का ये आलम है कि बलोच रेबल्स ने ये जो अटैक 25 और 26 अगस्त के दरमियानी शब को किया और अभी भी वो कर रहे हैं ये कोई रिसेंट अटैक नहीं है ऑपरेशन हेरोफ का चाइनीज वहाँ से भाग गए हैं ये मुसलसल हो रहे हैं ये सिर्फ इस आर्मी चीफ की बात नहीं मैं कर रहा भाजपा के जमाने में भी उससे पहले भी मुसल हो रहे हैं और बात चली अगर हम रिसेंट तीन चार सालों की बात करें तो बाजवा के ज़माने में इतने अटैक हुए शदीर चाइनीज़ के ऊपर और फिर ये आसमु मुनीर जनरल की बादशाही क्योंकि पाकिस्तान में तो बादशाह आर्मी चीफ की होती है इसकी बादशाही में ये इतने खौफनाक अटैक्स हो रहे हैं और ये फिर इतना खौफनाक अटैक हुआ है और पाकिस्तान आर्मी वाकई ही बेबस हो गई है और मुझे तो ये ख़तरा है कि आने वाले दिनों में ये मिसाइल और बढ़ेंगे और पाकिस्तान आर्मी इस पर शदीद रिएक्ट अगर करेगी तो उनके लिए और मुश्किल का सामना होगा चलिए पाकिस्तान में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बहुत खतरनाक नज़र आती है सराय की सूबे और सिंध के कुछ इलाकों में डाकुओं का राज है पश्तून बेल्ट में तालिबान ने नाक में दाम कर रखा है बलूचिस्तान में रेबल्स का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है पंजाब में पोलिटिकल अनरेस्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होता नज़र नहीं आता इन हालात में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है इस पर कुछ तबसरा कीजिए देखिए हम एक अपने देसी स्लैंग में अक्सर कहते हैं कि भाई हमें फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा है तो जब हम कहते हैं कि फ्यूचर नजर आ रहा है तो उस वक्त जब हम कहते हैं तो हमारी एक ऑप्टमिज़म होती है हम कहते हैं कोई शायद कोई अच्छा फ्यूचर है अब यहाँ पे फ्यूचर कैसे नजर आता है ये फ्यूचर बड़ा ही बलीक है बड़ा खतरनाक फ्यूचर है अभी मैंने पीछे बात की कि बलूचिस्तान में हालात बहुत बिगड़ गए हैं पाकिस्तान आर्मी बेबस हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये और बुरी तरह बेबस नज़र आते हैं ये देखिए 25 और 26 अगस्त की दरमिया रात को अटैक हुआ है बलोच रैपल्स का इससे पहले भी हो रहे हैं ऊपर तले हो रहे हैं उससे अगले रोज़ यानी सताईस अगस्त को बलूचिस्तान में सॉरी ये जो हैबर पख्तनखा के इलाकों में बहुत शदीद अटैक हुआ है कई सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे गए हैं कई सिविलियंस मारे गए हैं और फिर दावा किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने कि जी हमने कई दहशतगर्दी मार दी है यानी वो तालिबान नमह कवतों ने हमला किया अब तालिबान नमा कवतेतें जो हैं वो खास तौर पर पश्तून बेल्ट में मुसलसल इनका नाक में दम किए हुए हैं अटैक करते रहते हैं हर दूसरे रोज़ अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे रोज इनके पाँच दस लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के भी मर रहे होते हैं और आम लोग भी मर रहे होते हैं जिनमें मैं स, आ, सस्पेक्ट कर सकता हूँ कि मासूम लोग भी होंगे और हमला आवर लोग भी होंगे अब वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है आपने जिक्र किया कि वो सराकी सूबे और सिंध की पट्टी में वो डाकुओं का कच्चे का इलाका जो होता है वहाँ पे बुरा हाल है वहाँ पे फौज और पुलिस के दरमियान वहाँ की जो पुलिस है उसके दरमियान वहाँ पे आ, वो कुछ न कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं इसलिए कि हर चीज़ करप्शन का शिकार है फ़ौज में भी करप्शन इन को छू रही है पुलिस में भी करप्शन इन को छू रही है पूरे माशरे में करप्शन जहनी करप्शन भी माली करप्शन भी हर लिहाज से मेंटल बैंक क्रप्सी भी फाइनेंशियल बैंक क्रप्सी भी वो भी है आपने इकोनॉमिक हालात की बात की मुल्क के ओवरऑल जो हैं, अब आईएमएफ से इनको पैसे ना मिले तो इनके रेजरवाए तबाह हो जाते हैं और वो भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे गुर्बत इतनी बढ़ गई है इंफ्लेशन इतनी बढ़ गई है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अब मरने मारने को पहले ही तो ले रहे थे कई सालों से हम ये फजा देख रहे हैं अब तो बेचारे जो लोग हैं वहाँ के वो वो तैयार बैठे हुए हैं कि आप उनको पाकिस्तानी दस हज़ार रुपए दें जो शायद कनेडियन मेरा ख़्याल पचास डॉलर बनते होंगे और अमरीकी शायद वो पच्चीस या तीस डॉलर बनते होंगे लोग उन दस हज़ार रुपयों के लिए किसी को भी कत्ल करने को वहाँ पर तैयार बैठे क्योंकि इतनी वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है बहुत है, है। फ्रस्ट्रेशन अच्छा वो जो काम है पाकिस्तानी वो बेचारी पहले ही अपनी जहालतों और बेवकूफ़ाना माइंड की वजह से वो पहले ही अ, उसकी मत मारी हुई है अब गुरबत ने इन्फ्लेशन ने पॉलिटिकल हालात ने और उनकी मत मार मारती कोई उनको चीज़ें कलेरिटी के साथ नज़र नहीं आती ना उनको दीने मान कलेरिटी के साथ नज़र आता है ना उनको अपने इकनॉमिक मसाइल का हल क्लैरिटी के साथ नजर आता है ना उनको पोलिटिकल मसाइल का क्लैरिटी के साथ नज़र आता है क्लैरिटी बाय द वे वहाँ की एलिट में भी नहीं है जो बड़े बड़े दानशवर है ना लेबर उनमें भी नहीं है क्योंकि होपलेस लेसनेस की सिचुएशन हाँ। है आप होप से ज़िंदा रहते हैं और होप आती है जब आपका सिस्टम वर्क करता है जब आपकी चीज़ें ठीक होने की उम्मीद होती है जब इनको ठीक इनके यहाँ चीज़ें होने की उम्मीद होती थी जब इनके हालात थोड़े बहुत कभी बेहतर होते थे तब भी इनका माइंड सेट बेहतर नहीं होता कभी भी पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान बनने से अब तक माइंड सेट जनरली ठीक हुआ ही नहीं कन्फ्यूजन टोटल कन्फ्यूजन मिसाल के तौर पर कि ये जो फलस्तनी कर रहे हैं जदोजहदे ये, ये जो है ना ये जहाद है बड़ा अजीम काम है इसराइल से अपनी ज़मीन वापस ले रहे हैं ठीक है कश्मीर से हमने अपनी जमीन वापस नहीं पता नहीं कि जमीन कौन सी होती है और जो बलोच जिनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है जब वो फिर अपनी स्ट्रगल तो वो दहशत दरअसल ये पॉलिटिकल रियलिटीज हैं हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हाँ, तो बस... आप उनको किसी वक्त भी चैलेंज कर दें उठ के तो वो चैलेंज होता सवाए खराबी के कुछ नहीं होता यहाँ पे वो जो कॉनोटेशन होती है कि आप इस वक्त की रियलिटी को लेकर आगे चलिए और अपनी आज को बेहतर कीजिए ताकि आपका कल खुद ब खुद उसके अंदर डीप क्योंकि आपका कल ही तो आज है इनका कोई कल जो है ना वो आज नहीं है उनका आज कल नहीं होने वाला क्योंकि इनका जो आज है वो भी फॉल्स नेरेटिव पे खड़ा है उसी की वजह से इनका आने वाला कल ये कंसीव कर रहे हैं तो जो फॉल्स नेरेटिव पे लम्हा मौजूद में रहते हैं वो आने वाले लम्हे में कैसे रियलिटी को फेस करेंगे तो बदकिस्मती से इनके पास हालात अच्छे हों इनके पास चाहे दो पैसे जेब में हों या इनके पास टका ना हो ये हर हर दो सूरतों में मसाइल का शिकार है इसलिए इनका फ्यूचर जो है ना वो फॉल्स नगरटिव पे है और अब तो ये है कि इनका फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली है ही कोई नहीं वो पर हैंग्ड है पूरी की पूरी नेशन हैंग्ड है कुछ नहीं पता इन्होंने किस तरफ जाना है चलिए आखिर में हम कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ जाते हैं जिनकी टेम्प्री फॉरेन वर्कर्स पर कसे जाने वाले शिकंजे को एनालाइज कीजिए और जिनकी जो पॉलिसी है उस पर बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस बात का एहसास क्यों हुआ और इस फैसले के ज्यादा असरा तो इंडियन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पर पड़ेंगे आप इस पर कैसे लाइट शेड करेंगे देखिए बात बड़ी सिंपल है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बड़ी ही एक जो रोनी सी सूरत बना के मंडे 26 अगस्त को टेलीविजन पे एक अपीरेंस दी जो एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग है तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेन वर्कर्स के टम्परेरी जो हैं जो परमिट्स हैं हम इस पे गौर कर रहे हैं अब जो यहाँ के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं कनाडा की वो हम कुछ ऐसे कवानीन ला रहे हैं कि टेन परसेंट से ज्यादा इनको हायर ना करें क्योंकि हमारे अपने जो कनेडियंस हैं जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही अब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जिस तरह की पॉलिसियाँ चलाई हैं दस सालों में इमिग्रेशन की स्टूडेंट्स की अब वो उनके गले आन पड़ी हैं आप और मैं जानते हैं कनाडा हमारा प्यारा देश है जब हम कैनेडा की सड़कों पे निकलते हैं तो हर तीसरी चौथी गाड़ी पे प्राइम मिनिस्टर टूडो के ख़िलाफ़ वो लग, स्टिकर लगे होते हैं बड़े बड़े झंडे चल रहे होते हैं जिसमें एफ़ टूडो लिखा होता है ठीक है और वो मतलब अब कोई सीक्रेट नहीं रहा अब हर कोई देख सकता है सड़कों पर कि टूडो साहब ने जो कुछ किया हमारे हमसाए जो हैं वो हमें बताते हैं कि भई ये टूडो से तो हमें जान छुड़ानी है वो हमसाए हैं जो जो हमारी तरह की इमिग्रेंट्स बैकग्राउंड्स के नहीं हैं जो कनाडा के कई नस्लों से जनरेशन रहने वाले वो कोट अन कोट वाइट कॉकेशियन जिनको कैनेडियंस बोलते हैं वो सारे हैं। तो लोग तंग आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के जो पोल्स में नंबर है वो भी काफी लो हैं और जगमीत सिंह के भी बाय द वे जो उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाए हुए हैं वो भी लो हैं तो अब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बुरी तरह एहसास हो रहा है कि भई अब तो मेरा जो पॉलिटिकल फ्यूचर है मेरी मेरा भी और मेरी पार्टी का भी निशाने पे है उनकी पार्टी के लोग भी कई एम उन तक अपने कंसर्नस पहुंचा चुके हैं और कह चुके हैं कि जनाब आपने हद कर दी पॉलिसियों की और ख़ास तौर पर सबसे जो बड़ी पॉलिसी है वो घर महंगे हो चुके हैं अफोर्डेबल नहीं रहे इन्फ्लेशन बढ़ गई है महंगाई बढ़ गई है और इमीग्रेंट्स चूँकि सबसे बड़ा मसला मसाई कि इमीग्रेंट्स जित बड़ी तादाद में जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद अब कोई चारा नहीं रहा आ, टूडो के लिए कि वो ये नंबर अब कम करें आपने कहा कि उनको ये एहसास अब क्यों हुआ इसलिए कि अगले साल इलेक्शन है अब अगले साल इलेक्शन की अब से तैयारियां करेंगे ना सबसे बड़ा उन पर एलिगेशन ही यही है कि आपने बेलगाम किस्म की सोची समझी आ, जो है वो आपने हमाकते की यानी सोचे समझी हमाकते की हैं और बग़ैर सोचे समझे आपने इमीग्रेशन की ओपन पॉलिसी रखी है तो इस बिना पर अब मिस्टर ट्रूडो को एहसास इसलिए हो रहा है कि अगले साल इलेक्शन है पोल्स में नंबर उनके डाउन है और उनको लग रहा है कि भाई अगर अब मैं इसको ऑटो करेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा तो लिबरल पार्टी तो फिर उसका सफाया हो जाएगा तो इसलिए उनको एहसास चलिए इसी तरफ इसी से इसी में से ये सवाल निकलता है कि जिस तेजी से कैनेडा में पिछले दस सालों में इमिग्रेशन हुई तो आप इस अमल को कैसे देखते हैं मतलब इस इस दस सालों का इम्पैक्ट जी इस दस साल के अरसे का इम्पैक्ट अब यह है कि जो दस साल पहले घर पाँच लाख का था वो अब एक मिलियन से ज्यादा हो गया है जब प्राइम मिनिस्टर टूडो आए थे गवर्नमेंट में पहली बार 2015 में गालबन तो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट था मॉडगेज का और दूसरा जो वो कोई डेढ़ दो परसेंट था अब इंटरेस्ट रेट जो है ना कोई मतलब छः साढ़े छः परसेंट है अच्छा इन्फ्लेशन बढ़ गई है आ, इतना इमिग्रेंट्स उन्होंने दस सालों में बुलाया है कि कनाडा की पॉपुलेशन मुझे याद पड़ता है गलमन जब ये आए थे तो सैंतीस मिलियन थी अब वो बढ़ के कोई इकतालीस बयालीस मिलियन हो गई है यानी चार पांच मिलियन मिनिमम ये नंबर बढ़ गया दस सालों में देखिए इस बात से तो हमें इनकार नहीं कि हम अगर इसको सिस्टमैटिकली स्ट्रेटजिकली किया जाए तो हमें ज़रूरत तो रहती है वर्कर्स की लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होकर सोचना है और अपने अपने जो मौजूद बच्चे हैं उनके बारे में तो मेरा ख्याल है मैं पिछले पच्चे, बीस पच्चीस साल से यही कहे जा रही हूँ कि जो आप अपने जनरेशन के साथ जुल्म कर रहे हैं इसका क्या होगा देखिए बात यह ना कि गुज्त दस सालों में अब जो चार से पाँच मिलियन इमिग्रेंट्स आया है उनके लिए घर तो उस तर, उस मकदार में उस तादाद में मौजूद नहीं है तो वो कहाँ रहेंगे अब डिमांड एंड सप्लाई का मसला है जाहिर जो लोग आए हैं उनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो इमिग्रेंट है जब उसको बेसमेंट ही घर की को पच्चीस सौ डॉलर की मिलनी है तो वो पच्चीस सौ डॉलर नए इमिग्रेंट फैमिली कैसे जनरेट करेगा अच्छा जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी दो हज़ार पच्चीस सौ का रेंट या दो हजार पच्चीस सौ की मॉडगेज अफोर्ड नहीं करते लेकिन अब तो मॉडगेज घर जो है एक जो कांडो है टोरंटो एरिया में इवन हैमिल्टन एरिया में जो निस्पतन सस्ता इलाका है एज़ अपोज टू टोरंटो वहां पे भी पाँच लाख डॉलर से कम का एक छोटा सा अपार्टमेंट नहीं मिलता तो पांच लाख डॉलर के अपार्टमेंट की जो सिर्फ और सिर्फ रफली में बता रहा हूँ मॉडगेज है डाउन पेमेंट को दस परसेंट डालने के बाद वही को तीन हजार डॉलर बनती है फिर उसका कॉन्डो फी फिर उसके यूटिलिटी बिल्स तो यहां पे जो आम आदमी की जो पंद्रह सोलह डॉलर मिनिमम जो वेज है वो जो जो तनखा है जिसको बीस डॉलर घंटे के मिलते हैं वो बड़े रिजनेबल हैं वो बीस डॉलर लेके भी वो कॉन्डो का किराया तो दे नहीं सकता कैसे वो रहेगा फिर फूड एंड यूटिलिटीज कम्यूटिंग ये सारा यानी कि जनरली ही हम उस तरफ जा रहे हैं जिसमें डिस्पैरिटी इतनी ह्यूज है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त जो सब डेमस्ट्रेशन और ये सब का जो मरकज बन गया है कैनेडा वो नेचुरल इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये सब जो सिस्टम के अंदर हो रहा है उसके बाद तो बहर अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर टूडो ने इन दस सालों में जिस तरह की इमीग्रेशन की है और जिस तरह के स्टोपेट फैसले किए हैं वो जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो भी मसाइल का शिकार है वो भी सोच रहे हैं कि जो हमसे प्रॉमिस किया था कैनेडा ने वो तो हमें मिल नहीं रहा जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी परेशान है प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी वहाँ ख़ास तो पर जब इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आया है तो उनमें से खासतौर तो पर पंजाब के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे उनके वालदेन ने ज़मीनें बेचीं जेवर और बेची, सभी ने नहीं मगर बहुत सोने जो हमें अतलात मिलती हैं अब वो उनका ये है कि जो हम लगा के आए हैं पैसा वो तो वसूल है अच्छा उसको वसूलने के चक्कर में वो फिर यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ गया वसूल क्या करें वो वो पहले लिविंग लिवेबल ल, लिव तो बेचारे उनके लिए वही करना इतना मुश्किल है कि उसके बाद वो तो दूसरे स्टेप की आप बात कर रहे हैं राइट सिर्फ मतलब भारत से ज्यादा स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं टेम्परेरी वर्कर्स भी वहां से ज्यादा नंबर में आए हैं मगर दूसरे देशों से भी आए हैं तो बहुत से देशों के लोग जो यहाँ पे आए हैं उनके खाफ शैटड हुए हैं अब वो उनमें से कुछ लोग क्राइम्स में भी पड़ रहे हैं तो पूरे का पूरा जो मुआरा है वो इस वक्त अब तरीका शिकार है और मुझे नहीं लगता ऐसा प्रॉब्लम है जिसको फिक्स होते होते अगर किसी ने फिक्स करने की कोशिश की तो इसको फिक्स करते करते कई साल लग जाएंगे आज का बिलातकलुफ़ तबसरा करने का बहुत बहुत शुक्रिया व्यवर्स हम आपके साथ बिलातकलुफ़ इसी तरह के तब्सरे करते रहेंगे आज का ये शो मेरे और ताहिर स्तम गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.